हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इज वेल विद अनन्या। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ सिंपल योगासना टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो पीसीओडी एंड पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं खुद एक पीसीओएस पेशेंट हूँ एंड आई ट्राई टू इंक्लूड दीज एक्सरसाइजेस इन माय रूटीन डेली, क्योंकि दीज पोस्चर्स टारगेट माय लोअर एब्डोमेन और द लोअर पार्ट ऑफ माय बॉडी, व्हिच इन टर्न प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन। एंड अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट होता है देन इट ग्रेजुअली हेल्प्स टू हील योर कंडीशन। सो चलिए देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइजेस। बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोज करने के लिए सबसे पहले हम लोग दंडासना में बैठेंगे। इसके बाद अपना लेफ्ट लेग एंड देन राइट लेग को ऐसे आपको फोल्ड करना है ताकि आपके हील्स आपके ग्रॉइन एरिया में टच हो। पैर को एकदम टाइट रखना है और हाथ को इंटरलॉक करके अपने हील्स के नीचे ऐसे दबा के पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखना है। एंड देन आंखें बंद करके धीरे धीरे breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, relax करे, आराम से सांस ले। and then धीरे धीरे अपना पैर flap करे। आपको बहुत rigorously flap करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आराम आराम से करे। जस्ट दैट कोशिश कीजिए कि ये पॉस्चर थोड़ा ज्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओ। PCOS एंड PCOD के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके पेल्विक रीजन को इंस्टेंटली ओपन कर देता है। यहाँ पे ब्लड फ्लो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपका कोर कम्प्लीटली एंगेज हो जाता है। कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज 30-40 सेकेंड्स तक कंटिन्यू करें। अब धीरे धीरे पहले अपना लेफ्ट लेग एंड देन अपना राइट लेग सीधा करें। नेक्स्ट आसना है मर्जरी आसना या कैट एंड कैमल पोज। सबसे पहले इसमें आपको अपना पीठ इनवर्ड बेंड करना है, अंदर की तरफ उसको बेंड करना है। आपको आगे की तरफ देखते जाना है। ट्राई टू होल्ड दिस पोजिशन फॉर सम टाइम एंड देन इसका रिवर्स, यानी आपके पीठ को अब ऊपर की तरह आपको पुश करना है। ये कैमल पोज है, देखिए आपका पीठ कैमल जैसा लग रहा है। ये कैट एंड कैमल पोज आपके बैक रीजन को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच देता है एंड एज अ रिजल्ट ये कोई भी बैक पेन इश्यूज के लिए काफी अच्छा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज को एट अ स्ट्रेच आप 8-10 टाइम्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट। धीरे धीरे अपने बैक को स्ट्रेट करें और वज्रासन पोजिशन में बैठ जाए। अब हम लोग करेंगे शलभासना और लोकस्ट पोज। उसके लिए अपने पेट के बल पे आपको जमीन पे लेट जाना है एंड आपके चिन को ग्राउंड के साथ टच करना है। फिर अपने दोनों हाथ अपने थाई के नीचे रखें एंड देन धीरे धीरे आपको दोनों पैर एक साथ रेज करना है। सांस लेते हुए आपको आपके पैर रेज करना है एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को जमीन पे रखना है। ये एक्सरसाइज को भी आप 30 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। अगर दोनों पैर रेज करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक एक करके भी पैर रेज कर सकते हैं। देखिए आप 1x1 भी लेग रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट योगासना है सेतु बंधासना या ब्रिज पोज। इसको करने के लिए आपको आपके पीठ के बल लेट जाना है, देन दोनों पैर को ऐसे रेज करके उसको पैरेलली रख के अपने नीज के बीच में थोड़ा सा गैप रख के देन धीरे से सांस लेते हुए आपके कमर को रेज करना है। आपके चेस्ट आपके चिन को टच करना चाहिए, आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, एक आर्च या एक ब्रिज की तरह दिखना चाहिए एंड देन धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। क्योंकि
ये सब एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस हैं, जहां आपका हेड नीचे की तरफ रहता है, आपका सारा ब्लड फ्लो आपके सर पे चला जाता है एंड इसलिए आपको चक्कर आ सकता है या आपके सर भारी लग सकता है। तो हर एक एक्सरसाइज के बीच में आप ऐसे ही लेट के मकरासना या ऐसे ही नॉर्मल सवासना कर सकते हैं, एक 10 सेकेंड का ब्रेक लेके देन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे इकट्ठे शूट कर रही थी तो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया, मैं एक के बाद एक सारा एक्सरसाइज रिपीट कर रही थी, पर आप एक एक्सरसाइज के बाद 10 सेकेंड्स का एक ब्रेक जरूर ले। अगले आसन का बहुत ही मजेदार नाम है चक्की चलाना आसन। इस पोस्चर में आपको दोनों पैर अच्छे से स्ट्रेच करना है, फिर अपने हाथ को इंटरलॉक करके चक्की चलाने के पोज में ऐसे गोल गोल अपने बॉडी को रोटेट करना है। आपका हाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, आपका एल्बोज मुड़ना नहीं चाहिए। पहले क्लॉकवाइज एंड देन इसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। ये योगासना भी पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको 30-40 सेकेंड्स कंटिन्यू करें एंड देन एंटी क्लॉकवाइज भी सेम पोस्चर को हम लोग रिपीट करेंगे। ये वाले आसन में ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वज्रासन में बैठना है, देन राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ना है एंड देन एक लंबा सांस ले एंड देन नीचे झुकते हुए एक्सहेल करें। नीचे झुक के कुछ सेकंड्स ये पोज रिटेन करें एंड देन दोबारा सांस लेते हुए ऊपर आए। इस एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे, इनहेल करें एंड देन एक्सहेल करते हुए नीचे झुके। कोशिश करें आपका सर ग्राउंड पे टच हो, पर मेरा बॉडी अभी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। आप देख सकते हो मेरा सर एकदम नीचे तक नहीं जा रहा है, मैं इतना ही झुक पा रही हूँ, सो ये भी काफ़ी है। पोस्चर को एकदम सीधा रखना है, एक लंबे सांस ले एंड धीरे धीरे झुकते हुए सांस को बाहर निकाले। नीचे झुक के कुछ सेकंड्स ये पोस्चर रिटेन करे एंड देन सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। अगला आसन है उष्ट्रासन या कैमल पोज। इस पे आपको आपके घुटने में खड़े होके हाथ ऐसे सर्कुलर मोशन में पीछे लेके अपने हील्स को छूना है एंड सेकंड हाथ को भी वैसे ही पीछे लेके अपने हील्स को छूना है एंड देन आपके सर ऐसे पीछे की तरफ झुकाना है। इस पोस्चर को कुछ सेकंड्स रिटेन करके धीरे धीरे हम लोग अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे वापस। मैं फिर से रिपीट करूंगी अपना पोस्चर। शुरुआत में ये एक्सरसाइज भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ग्रेजुअली विथ प्रैक्टिस ये पोस्चर भी आराम से आप कर पाओगे। क्योंकि इस पोस्चर में हम लोग पीठ को बहुत ज़्यादा बेंड करते हैं, हम लोग क्विकली पीठ को ऑपोजिट साइड बेंड करके चाइल्ड पोज में बैठ लेंगे। ये पोस्चर आपको रिलैक्स करने में मदद करता है एंड आई अगेन रिपीट कि देखिए ये एक्सरसाइज में भी मेरा सर नीचे की तरफ है, तो अभी जब मैं अपना सर उठाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा डिजी फील हो सकता है। इसके लिए मैं लेट के सवासन में थोड़ा देर 10 सेकेंड्स ब्रेक ले लूंगी। ये लास्ट योगासना भी एकदम रिलैक्सेशन वाला आसन है, इसे कहते हैं सुप्त बद्ध कोणासन या तितली आसन। बटरफ्लाई पोज में बैठ के हम लोग ने जो पोस्चर करा था वही सेम पोस्चर आपको सो के करना है। देखिए मैंने अपने दो हील्स ज्वाइन कर लिया है एंड जितना पॉसिबल अपने ग्रोइन एरिया के करीब उसको लाना है। अपने हाथ को ऐसे ही फैला दीजिए एंड शांति से रिलैक्सेशन के साथ धीरे धीरे ब्रेथ लेके आप रिलैक्स करें।
अगेन 30 सेकेंड्स आप ऐसे ही लेटे रहे एंड देन धीरे धीरे करके अपना पैर स्ट्रेट कर ले। आई होप आप लोगों को आज का योगासना रूटीन पसंद आया। अगर कोई भी एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो उस एक्सरसाइज को ना करें। ये योग अभ्यास करने के बाद आपका बॉडी और माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता है एंड आपका लोअर बॉडी कम्प्लीटली चार्ज्ड अप हो जाता है। आप हर एक आसना में यू कैन फील द स्ट्रेच, यू कैन फील योर पेल्विक रीजन ओपनिंग। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऑल माई सिस्टर्स सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड PCOS टू ट्राई आउट दीज आसनास। होप टू मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।